Hello, I'm Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I'm back with a new topic, that is isometric view of composite solid. This is the second question on this topic. The question is, a square pyramid rests centrally over a cylindrical block. यानि कि कोई square pyramid है, आप समझ गए होंगे. और कहाँ rest कर रहा है ये cylindrical block, यानि कोई cylinder के ऊपर रखा हुआ है. कहाँ पे रखा हुआ है? सिलेंड्रिकल ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है. ओके, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द अरेंजमेंट. हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करना है इस पोजीशन पे कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक के ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है. द पिरामिड हैज अ बेस विद 25 एमएम साइड, यानी कि पिरामिड की बेस साइड कितने की है? 25 की है. और इसकी लेंथ कितनी? 40 एमएम के बराबर है. यानी कि उसकी हाइट कितनी? 40 एमएम के बराबर है. Whereas the cylindrical block has a base with 50 mm diameter and 20 mm thickness. यानी कि जो cylindrical block है उसका diameter कितना है? 50 mm है और 20 mm उसका thickness. यानी कि आप समझ सकते हो उसका height कितना है? 20 mm. Height कम होने की वजह से उसको height ना बोल के thickness यहाँ पे बोला जा रहा है. तो कितना है उसका height, यानी कि thickness कितना है? 20 mm है. तो सिलेंडर के ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ, यानी कि पहले बनेगा सिलेंडर. सिलेंडर पहले देखते हैं डायमीटर कितना दिया है. 50 दिया है और उसका 20 mm उसका थिकनेस दिया हुआ है. तो पहले तो मैंने एक रोम्बस तैयार किया है. साइड कितना लिया? यहाँ से 50 लिया, यहाँ से 50 लिया है. एक रोम्बस मैंने तैयार कर लिया है. आपको ऑलरेडी पता है ये कैसा मैंने किया है. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ आपको बता चुका हूँ. अब मुझे क्या करना है इसके अंदर? पहले तो 4 cm अप्लाई करना है और यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ करना है. फिर मैं क्या करूँगा इसके हाइट पर जब कितना हाइट था इसका, यानी कितना थिकनेस था? 20 ऊपर जाऊँगा. फिर वहाँ सबको ज्वाइन करूँगा, एक रोम्बस मिलेगा. वहाँ पे भी मैं 4 cm मेथड यूज़ करूँगा ताकि मुझे पूरा एक सिलेंड्रिकल ड्रम मिल जाए, यानी कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक मिल जाए. तो पहले तो यहाँ पर मैं 4 cm मेथड अप्लाई करके यहाँ पर एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ. याद रखें, एलिप्स आधा आगे का डार्क होगा, आधा आगे का पीछे मुझे डैश लाइन से बनाना पड़ेगा ताकि वो विजिबल नहीं होगा. ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 4 cm मेथड यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ कर लिया. अब मुझे क्या करना है, यहाँ से कितने हाइट पे जाना है? इसका थिकनेस कितना दिया सिलेंड्रिकल ड्रम का? इसका थिकनेस दिया था 20, यानी 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, 20 यहाँ से ऊपर जाऊँगा. इनको आप आपस में ज्वाइन करता हूँ. पहले इतने पोर्शन कम्प्लीट करता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 20 हाइट लिया यहाँ से, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ पे भी रोम्बस आके तैयार हो चुका. कितने का? 50 50 50 50 का. अब इसके अंदर भी मुझे 4 cm मेथड यूज़ करना है और यहाँ पे लिस्ट तैयार करना है. तो पहले यहाँ पे 4 cm मेथड याद रहे, ऊपर वाले रोम्बस में मुझे करना है. तो यहाँ पर मैं एक इलिप्स और तैयार करता हूँ. ये लिप्स को भी मैं पूरा डार्क नहीं बनाऊँगा, आधा पीछे का डॉटेड बनाऊँगा, यानी कि डैश लाइन से बनाऊंगा, आधा आगे का डार्क बनाऊंगा. क्योंकि कुछ पार्ट क्या होगा, जब मैं स्क्वायर पिरामिड को यहाँ पर रखूंगा तो कुछ पार्ट पीछे का मुझे सिलेंडर का नज़र नहीं आएगा, इसलिए फिर बाद में उसको मिटाऊंगा, ख़राब करूंगा, फिर अपेरेंस ख़राब हो जाएगी ड्राइंग की. इसलिए मैं पीछे के आधे हिस्से को डैश लाइन से बनाऊँगा, आगे के जैसे ही बनाया ना वैसे ही बनाऊँगा. बाकी बचेगा तो फिर बाद में डार्क कर लेंगे उसको. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, सेम जो मेथड मैंने नीचे वाले रोम्बस में किया था वही मेथड मैंने ऊपर वाले रोम्बस में यूज़ किया है. 4 cm मेथड, एक इलिप्स यहाँ पर, एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब मुझे सिलेंडर को, मुझे जब सिलेंडर जब देखेगा, जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करूँगा, तो मैं इन दोनों को आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ. अब मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया, आपको ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक नज़र आ रहा है. अब क्या करना है, इसके ऊपर मुझे क्या रखना है आपको पता है, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको. स्क्वायर पिरामिड रेस्ट सेंट्रली ओवर सिलेंड्रिकल ब्लॉक, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर ब्लॉक को रखना है और स्क्वायर पिरामिड को रखना है. स्क्वायर पिरामिड का जो साइड है कितने का है? 25 mm का है. उसकी हाइट कितनी है? 40 mm. याद रखिएगा, 25 साइड है और 40 mm है. अब मुझे क्या करना हो, क्योंकि इसका साइड कितने का है? इसका साइड तो 50 का है. मुझे इसका साइड कितने का चाहिए? 40 का चाहिए. तो पहले चीज़ इसको 40 में कन्वर्ट करूँगा. आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, फिर से बता रहा हूँ. साइड 50 का है, मुझे 40 का चाहिए. माइनस 40 किया, नहीं साइड 25 का, इसका हाइट है, सॉरी इसका हाइट है 25 साइड चाहिए. तो इसका माइनस करूँगा 25. कितना माइनस करूँगा? 25. डिफरेंस कितने का है? 25 mm का.
इसके दो हिस्से कर दूंगा, ये हो जाएगा 12.5 mm के बराबर। आप समझ गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इन चारों कॉर्नर से 25 इधर और इस दोनों तरफ मुझे डिस्टेंस लेना है और पॉइंट्स मार्क करना है और फिर पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं या फिर सारे पॉइंट्स आप यहाँ से यहाँ तक पूरे में पॉइंट्स मार्क कर लीजिए और अपोजिट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपको लाइंस मिल जाएंगी। तो पहले उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स से जितने भी चारों पॉइंट कॉर्नर्स थे इस रोम्बस के ऊपर वाले के, तो मैंने सबसे डिस्टेंस कितना लिया 12.5 और सारे से अपोजिट वाले पॉइंट से मैंने जोड़ दिए। एक लाइन मेरी ये आई और एक लाइन मेरी ये आई, एक लाइन मेरी ये बनी और एक लाइन मेरी ये बनी। तो जहाँ पे इन दोनों लाइन के पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होगा, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, मैंने इसको बड़ा मार्क कर दिया ताकि आपको आराम से विजिबल हो पाए। कितने पॉइंट्स हो, 1, 2, 3 और 4। ओके, ये किसके बराबर हो गया है, ये हो गया है 25 के बराबर। ओके, तो ये किसका बेस हो गया है, क्योंकि इस साइज का बेस किसका था, स्क्वायर पिरामिड का, तो स्क्वायर पिरामिड का बेस तैयार है। अब मुझे क्या करना है, इसका एपेक्स निकालना है। एपेक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों डायगोनल को मिला दें पहले। तो इन दोनों डायगोनल, एक्चुअली ये डायगोनल ऑलरेडी मिला हुआ है इससे, इसको और इससे आप लाइट लाइन से मिला देते हैं। अगर जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट, आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका सेंटर। तो यहाँ से कितने हाइट पर जाना है मुझे, इसका हाइट कितना था, 40 था। कितना हाइट था इसका, 40। यानी कि यहाँ से कितने पे डिस्टेंस पे जाऊँगा मैं, यानी कि यहाँ से मैं 40 डिस्टेंस पे ऊपर जाने वाला हूँ। कितना डिस्टेंस, 40। तो यहाँ से डिस्टेंस में गया 40। ओके, 1, 2, 3, 4, ये 40 डिस्टेंस पे गया, पॉइंट हो गया O। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको पहले तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर क्या करना होगा, मैं डार्क पेन से उठा लेता हूँ, क्योंकि अब ज्वाइनिंग करने की बारी है फाइनली। तो क्या क्या ज्वाइन करना है मैं आपको बताते जाता हूँ। तो ये किस तरह से आपको विजिबल होगा, तो पहले इस कॉर्नर से इसको ज्वाइन करें। ऑलरेडी इसको आप पिरामिड बनाना मैंने आपको सिखाया था, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ तो आपको 1% में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब इससे इसको ज्वाइन करूँगा, नीचे इससे इसको ज्वाइन करूँगा डार्क लाइन से। ओके, फिर इससे इसको ज्वाइन करूंगा, फिर इससे मैं इसको ज्वाइन करूंगा फाइनली। पहले तो आप देखिए स्क्वायर पिरामिड तैयार है। क्या तैयार है, ये डार्क लाइन्स आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा ये स्क्वायर पिरामिड है। अब बाहर है सिलेंडर की, सिलेंडर में ऑलरेडी मैंने ये पोर्शन डार्क कर लिया था, थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ और डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सारे पोर्शन को डार्क कर लिया है। मैंने इतने पोर्शन को डॉट ड्रॉ किया था, इसको भी डार्क कर लिया है, इसको भी ड्रॉ कर लिया। याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है ये इसके पीछे छुप जाएगा, इस स्क्वायर पिरामिड के पीछे हिडन हो जाएगा, इसलिए इसको मुझे डार्क नहीं करना है। बाकी सारा पोर्शन मैंने ओवर डार्क कर लिया ताकि कैमरे में आसानी से विजिबल हो जाए। तो मैंने सारे डायमेंशन कर दिए, ये कितना था, ये था 50, ये भी कितना था 50 था, ये 20 है हाइट इसका, यानी कि इसका थिकनेस कितना सिलेंड्रिकल ब्लॉक का 20 था, और इसका हाइट यानी कि एक्सिस से मैं गया, इसके मतलब इसके बेस के सेंटर से गया, और इसका जो हाइट है ये शो कर दिया मैंने 40। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।